बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरा टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरा टीवी का वीएन क्या है, आज एक बार फिर उसी वीएन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि कुछ देर पहले आपने देखा कि हम जा रहे हैं अपनी एक बहन साजदा मलिक साहिबा की तरफ, जो कि पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा भी हैं और लायंस फर्स्ट वुमेन क्लब इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव मेम्बर भी हैं। तो हम इनके पास हाजिर हुए हैं क्योंकि आज ये हमारी कम्यूनिटी के लिए बहुत प्यारे गिफ्ट, हैम्पर्स और सरप्राइजेज देने चाह रहे हैं और हमारी कम्यूनिटी की फेवर में स्पोर्ट में कुछ बातें, कुछ चीज़ें हमारे साथ आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि हम इस चैनल की तवस्त से आप तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। तो अपनी तमहीद को शॉर्ट करते हुए, क्योंकि इनकी तारीफ़ में जितना भी कहा जाए वो कम है, मैं खुद पर्सनली इनसे मिलके बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। माशाल्लाह बहुत अजीम, बाकरदार, बासलाहियत पर्सनैलिटी हैं ये। तो मज़ीद इनके बारे में हम इनसे जानते हैं इनकी ज़बानी। तो आइए मिलते हैं मैडम साजदा मलिक साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमें वक्त दिया। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं आपके हर वक्त हाजिर हूँ, क्योंकि आजकल की नफसा नफसी के दौर में और इतनी मसरूफियत आपकी माशाल्लाह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और डिफरेंट सेक्टर्स में है, तो ये बड़ी बात है कि आपने टाइम निकाला और हमें आज टाइम दिया। हमारी कम्युनिटी के लिए आपने हमें इनवाइट किया। फर्स्ट वुमेन क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते आप ऑलरेडी बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, बेसहारा औरतों के लिए, एजिड खुवातीन के लिए काम कर रही हैं, तो आपके जहन में कैसा ये ख्याल है कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी काम करना चाहिए? एक्चुअली ये हुआ था कि मैंने एक आपका क्लिप देखा था, उसमें मैंने देखा कि आप बहुत ही ये बूढ़े से लोगों के लिए, किसी घर में बहुत ऊपर जा रही हैं, कोई बहुत नीचे कहीं घर है, एक एक कमरा है, वहाँ ये लोग बैठे हुए हैं या बीमार कोई पड़ा हुआ है। तो मैंने अकेले में उस रात को सोचा कि सोनिया तो कर रही हैं, उनके लिए जाती हैं, लेकिन मोस्टली ये जब बहुत छोटे होते हैं सब, तो इन्हें पता ही नहीं होता इस कम्युनिटी को कि हम क्या हैं। बिल्कुल, घर में इन लोगों के पेरेंट्स इनको रखने को तैयार नहीं होते, तो वो गुरु टाइप जो होती हैं वो ले जाती हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको नाच गाना सिखाया, जवानी तो चलो उनकी गुजर जाती बिल्कुल, है बिल्कुल। लेकिन मुझे ये सोच के बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि इनके तो बच्चे भी नहीं होते, तो ये बुढ़ापा किस तरह से गुजारती हैं। जैसे है। मैंने आपको सोनिया देखा कि एक बहुत बूढ़ा सा बंदा था बेचारा, बीमार, मैं पता नहीं क्या कहूँ उसे, आपने जाके उसके ऊपर रज़ाई डाली और बेचारा सर्दी से कांप रहा था। तो मुझे ये ख्याल आया कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनके लिए भी कुछ इस तरह से ओल्ड हाउस होने चाहिए जहाँ ये सब, ज़ाहिर है तन्हाई में अगर एक एक घर में एक एक कमरे में ये लोग पड़े हुए हैं, इनका भी दिल चाहता होगा कि हम सारे साथी एक जगह रहें, कुछ हम डिस्कस करें, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अकेले तो कोई नहीं ना जिंदगी गुजार सकता। ऐसे ही, ऐसे ही। तो इस वजह से बस मुझे ख्याल आया था कि इनके लिए एक ओल्ड होम होना चाहिए, जिसके लिए मैंने मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी की है। शेख परवेज साहब हमारे, आप जानते हैं, बहुत अच्छे हमारे जी। मेरे तो एम्बेसडर है, हमारे मोरे टीवी के भी एम्बेसडर है वो। मेरे तो समझे वो गॉड फादर है। बिल्कुल, बहुत नाइस, बहुत नाइस। जो कुछ मैंने अगर चैरिटी करती हूँ या किसी एनजीओ के साथ काम करती हूँ, मेरा कोई मतलब एनजीओ नहीं है किसी को, मैंने ये नहीं कि प्रॉपर कोई एनजीओ मैं चला रही हूँ, सेल्फ हेल्प बेसिस पे बस। मुझे ये सब बताते हैं कि फलां जगह कोई नीडी फैमिली है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके मैं उनकी हेल्प करती हूँ। हर जगह जहाँ मुझे कोई मिल जाता है मैं वहाँ जाती हूँ। मैं लायंस क्लब की मेंबर हूँ, लायंस क्लब वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत वो लोग काम करती हैं, जहाँ उन्हें कोई फैमिली मिले, या ये सर्दियों में एक कुल्ट का बहुत हमारी 100-150 रज़ाइयाँ हर साल हम लोग गरीब लोगों में बांटती हैं। अल्लाह पाक और ज्यादा। इन्हीं रज़ाइयों में से भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ रज़ाइयाँ भेजें, तो मैं ना इन लोगों की मदद करूं और इन्हें मैं। बहुत अच्छी सोच है आपने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा। अल्लाह पाक आपको इस नेक मकसद में कामयाब और कामरान करें। तो नाज़रीन, हम लोग अब जा रहे हैं ख्वाजसरा कम्युनिटी में, इन्होंने हमें कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दी हैं, सर्दियों के लिए हमें लिहाफ़ दी हैं, रज़ाइयाँ दी हैं, जो कि हम बनफ़से नफीस को और इंशाल्लाह सारी चीज़ें वहाँ जाके हम तकसीम करेंगे इनके दस्ते शफकत से। सो लेट्स मूव, चलते हैं ख्वाजसरा बरादरी में। Thank you.
इधर अपनी मामा मोमोजी की तरफ, इनको हमने साजदा अपी ने जो रज़ाइयाँ दी थी उनमें से एक रज़ाई दी, तो माशाल्लाह से इन्हें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत खुश हुई, इनको ज़रूरत भी थी बहुत ज़्यादा। तो ये कोई मैसेज देना चाहती हैं साजदा अपी के लिए स्पेशल, कि मैंने कहा बेहतर है कि आप बनफसे नफीस खुद वो मैसेज दे दें, तो साजदा अपी आपको कोई मैसेज देना चाहती हैं, इनका ज़रा मैसेज सुन लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम बच्ची साजदा, मैं मोमो बात कर रही हूँ, सोनिया की मामा। सोनिया ने जो आपने रज़ाइयाँ दी थी, सोनिया घर पे मुझे देखे गई, बहुत शुक्रिया सोनिया का भी और आपका भी जिन्होंने हेल्प की। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको जजाए खैर दे, अल्लाह पाक उन लोगों को, उन दोस्तों को जजाए खैर दे जो हमारी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके तावन से हम आगे लोगों की हेल्प करने में कामयाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ऐसा है कि ये बाजी साजदा ने जो लाइंस फर्स्ट वुमेन क्लब इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने आपके लिए ये विक्की रज़ाई का तोहफ़ा भेजा है, ताकि जो है आप सर्दियों में सख्त सर्दी से महफूज रह सकें। तो आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई व्यूज़ या कमेंट्स देना चाहेंगी बाजी साजदा के लिए? बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे, मेरी बहुत दुआएँ हैं उनके साथ कि जिन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा है। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, तो नाज़रीन आपने देखा कि हम वन बाय वन डोर टू डोर जो बाजी साजदा ने जो हमें रज़ाइयाँ दी, कुछ रज़ाइयाँ जो हैं वो हमने न्यू ईयर के मौके पे अपने सेट पे अपनी कम्युनिटी के डिज़र्विंग और नीडी लोगों को बुला के वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कुछ रज़ाइयाँ जो रह गई थी वो हमने वन बाय वन डोर टू डोर जाके अपनी कम्युनिटी के लोगों में तकसीम कर दी। मेम्बर हैं तो अल्लाह पाक उनको जजाए खैर दे, अल्लाह पाक उन्हें इतना दे जितना कुआं समुद्र में पानी है। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ कि आपकी थोड़ी सी जो स्ट्रगल है, थोड़ी सी जो कोशिश है, वो हमारे कम्युनिटी के डिज़र्विंग और नीडी लोगों को बहुत बड़ी खुशी देती है। तो आप लोगों का तावन होता है, आप लोगों का साथ होता है, तो ये हम सब करने में कामयाब होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया करें, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ हम दो या चार लोगों की हेल्प कर पाते हैं, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा लोगों की हेल्प और सपोर्ट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी, आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मजीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सोनिया नाज को, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई स्टोरी के साथ, अल्लाह ने गिबान। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।